ओम गण गणपतये नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, आज गणेश चतुर्थी के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ गणेश चतुर्थी व्रत कथा। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय गणेश जी महाराज जरूर लिखें। बोलो गणपति महाराज की जय हो। एक बार भगवान शंकर और माँ पार्वती नर्मदा नदी के निकट बैठे थे। वहाँ देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपट खेलने को कहा। भगवान शंकर चौपट खेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, इसका प्रश्न उठा। इसके जवाब में भगवान भोलेनाथ ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका पुतला बनाया, उस पुतले की प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपट खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। यह कहने के बाद चौपट का खेल शुरू हो गया। खेल तीन बार खेला गया और संयोग से तीनों बार पार्वती जी की जीत हुई। खेल के समाप्त होने पर बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया। बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता से माफी मांगी और कहा कि मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष में ऐसा नहीं किया। बालक के क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। एक साल बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा देखकर गणेश जी प्रसन्न हो गए। गणेश जी ने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वो यह देख प्रसन्न हो। बालक को यह वरदान दे, श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। बालक इसके बाद कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और अपने कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान महादेव को सुनाई। उस दिन से पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शंकर ने बालक के बताए अनुसार श्री गणेश का व्रत 21 दिनों तक किया। इसके प्रभाव से माता के मन से भगवान भोलेनाथ के लिए जो नाराजगी थी स्वयं ही समाप्त हो गई। पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई। शिव जी ने व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुन माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। माता ने भी 21 दिन तक श्री गणेश व्रत किया और दूर्वा पुष्प लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं पार्वती जी से आ मिले। कार्तिकेय ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूरी की। इस प्रकार श्री गणेश जी चतुर्थी व्रत को मनोकामना व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से वो सब की मनोकामना पूरी करते हैं। इस तरह पूजन करने से भगवान श्री गणेश अति प्रसन्न होते हैं
और अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।